COVID-19 की जो ओमिक्रोन आजकल चल रहा है साथ में, उसकी वेव जो है वो बहुत जोर शोर से जो बढ़ने शुरू हो गई है। और आज की डेट में हमारे पांवटा साहिब में 40 जो पेशेंट्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और टोटल डिस्ट्रिक्ट में 57 हैं, जिसमें से 40 पांवटा में जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पे स्पेशल ख्याल रखा जा रहा है कि जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको हम टेस्टिंग तुरंत कर रहे हैं। तो यहाँ पे 41 फॉरेनर्स आए हैं, उनका हमने सैंपल ले लिया और टेस्ट करवा लिया, और वो सभी अभी तक जो है नेगेटिव आए हैं। तो पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है, पूरी तरह से सावधानी अपनाई जा रही है, ताकि कोविड का जो एकदम से स्पर्ट हुआ है वो ज़्यादा स्प्रेड ना करे। तो इसमें हमने कई स्टेप्स लिए हैं। एक हमारी टीम जो है वो इंडस्ट्रीज में जाके अंडर हमारे जो BMO साहब और उनकी टीम है वो जाके इंडस्ट्रियल हाउसेज में जाके टेस्टिंग कर रही है। और एक ऑर्डर्स भी निकाल दिए गए हैं कि जितनी भी माइग्रेटरी लेबर है उसको 100% जो है उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और अगर वो टेस्टिंग नहीं करवाते हैं किसी वजह से या उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाती तो उन्हें फिर बॉर्डर एरिया से क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा मंडे ऑनवर्ड्स। तो ऑलरेडी इस संदर्भ में अंडर DD DMA एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो ऑर्डर्स निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा एक टीम जो है वो रेडी फड़ी वाले जो हैं रेस्टोरेंट्स या जितने भी ईटरीज के जॉइंट्स हैं या लंगर्स वगैरह हैं जो बनाने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, इन सब का जो है वो टेस्टिंग करेंगी। इसके भी ऑर्डर्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। और इसके अलावा जहाँ तक हमारा वैक्सीनेशन का है प्रोग्रेस, तो आपको जैसे पता है कि 100% सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है पांवटा में, और जो 15 to 18 की एज में जो वैक्सीनेशन होनी है वो शुरू हो गई है। और फर्स्ट जो लगना था वैक्सीनेशन से शुरू करके अब तक हम अराउंड 54 स्कूल्स में जो है वो कर चुके हैं इंजेक्ट, ये लगा चुके हैं वैक्सीन, और ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास जो है वो हमारी प्रोग्रेस आ रही है। और हर रोज हम 15 के आसपास स्कूल्स कर रहे हैं। आज का टारगेट हमारा 17 स्कूल्स का है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेट भी हो जाए। इसके अलावा पूरी कोशिश की जा रही है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करें। आज सुबह से एक अनाउंसमेंट करवाई जा रही है सारे बाजार में, सारे शहर में, कि लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करें और पूरा ध्यान रखें, मास्क पहन के सब्जी वगैरह बेचें, लोग मास्क वालों को ही जो है सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे कि नो मास्क नो सर्विस। इसके अलावा जो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो निकाली है गाइडलाइंस, उन पे भी जो है उनका भी जो है वो कंप्लाइंस करने की कोशिश की जा रही है। रात को कर्फ्यू कर दिया गया है, 10 बजे रात से लेके सुबह जो है 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी इंडोर और कवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं या सोशल गैदरिंग्स हैं या कोई एकेडमिक गैदरिंग है, स्पोर्ट्स गैदरिंग है, वो उनको अलाउ तो किया गया है रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन के लिए, बट अप टू 50% कैपेसिटी के साथ। बट इसके अलावा जो जिम्स हैं या जो जो होटल जिम्स हैं या सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम वगैरह, ये सब जो हैं इनको टोटली बंद कर दिया गया। लंगर सेवा जो है वो भी बंद कर दी गई है, और जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन उनको कोविड प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करने पड़ेगा। तो ये कोशिश की जा रही है हर तरह से, और एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है ताकि सबको पता रहे। और हमारी टीम्स पूरी तत्परता से, कुछ टीम बच्चों को वैक्सीनेट करने में और कुछ टीम टेस्टिंग पे पूरी तरह से लगी हुई है। थैंक यू। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।